देश में पहली बार संक्रामक H3N2 इन्फ्लुएंजा से दो लोगों की मौत के बाद सरकार अलर्ट पर है। मृतकों में कर्नाटक के हासन जिले के 82 साल का वृद्ध और हरियाणा के जिंद का 56 साल का व्यक्ति है। दोनों मरीजों के ब्लड प्रेशर जैसी इन्हें बीमारियां थी। देश में जनवरी से अब तक H3N2 इन्फ्लुएंजा के 3084 केस सामने आए हैं। इसे देखते हुए शनिवार को नीति आयोग ने मंत्रालयों की बैठक बुलाई है। इसमें राज्यों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी, साथ ही देखा जाएगा कि किस राज्य को किस तरह के सपोर्ट की जरूरत है।